नमस्कार, मोटी फॉरवर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स, यानी कि 19 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन है ए 25,000 करोड़ रुपए, वी 35,000 करोड़ रुपए, सी 55,000 करोड़ रुपए, डी 75,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 75,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि GST मुआवजे के अतिरिक्त है, जो कि वास्तविक उपकर संग्रह में से राज्यों को द्विमासिक आधार पर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ए नीति आयोग, वी योजना आयोग, सी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, डी दिल्ली पुलिस। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाना है। तीसरा क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ऑप्शन है ए पंजाब सरकार, वी दिल्ली सरकार, सी गुजरात सरकार, डी महाराष्ट्र सरकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात सरकार। गुजरात सरकार और आयुष मंत्रालय के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ITRA के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसका उद्देश्य जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाले सभी संस्थानों को ITRA के तहत लाना है। आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA ऐसी एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड UT ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, वी लद्दाख उच्च न्यायालय, सी कश्मीर उच्च न्यायालय, डी केंद्र उच्च न्यायालय। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश से हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड UT ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय रख दिया गया है। इस न्यायालय के नाम में परिवर्तन को करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन कठिनाइयों को दूर करना आदेश 2021 में पर हस्ताक्षर किए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गीरा साराभाई हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है ए 77 वर्ष, वी 87 वर्ष, सी 97 वर्ष, डी
बिरानवे वर्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 97 वर्ष। हाल ही में अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गीरा साराभाई का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने अपने भाई गौतम साराभाई के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और केलको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स की भी स्थापना की थी। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी म्यांमार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। अमेरिका की सरकार ने हाल ही में रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। यह ऑनलाइन हब कंपनियों और नगरपालिकाओं के लिए संसाधनों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना देगा। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन है ए जापान, बी यूएई, सी सऊदी अरब, डी अफ्रीका। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और वे अन्य महिलाओं के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। हज करने के इच्छुक महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।